वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, क्योंकि इससे पहले मैंने अपना जो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है वो आपके साथ शेयर किया था, तो उसके बाद मैं आज यही वीडियो, मतलब यही मेकअप लुक में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन जो भी होगा वो मैं अपना नाइट टाइम में दिखाने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो है नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। तो मुड़ते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करने से पहले जो भी मेरे स्किन के ऊपर जो भी मेकअप होता है वो मैं पहले रिमूव करती हूँ। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ ये मेरा माइक्रोफाइबर का ये मेकअप रिमूवर टॉवल, आप इसे कह सकते हो। तो आपको इसका जो रिव्यू होगा ना, तो वो मैंने किया था, तो उसका जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छा टॉवल है और ये माइक्रोफाइबर से बना हुआ है, तो ये आपके मेकअप से बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो भी वेस्टेज होती है ना, तो वो कम हो जाती है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। और मैं यहाँ पे जो भी मेकअप रिमूव करने के लिए डबल क्लिनजिंग मेथड इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके बाद, इससे मेकअप रिमूव करने के बाद मैं माइसलरी वाटर यूज़ करती हूँ। तो वो जो माइसलरी वाटर है, गार्नियर का माइसिल ऑयल इन्फ्यूज क्लिनजिंग वाटर, ये वाला वाटर मैं यूज़ करती हूँ, और इससे मैं अपना जो भी मेकअप है वो मेकअप रिमूव करती हूँ। जो एक्स्ट्रा मेकअप बचा हुआ होता है, डर जो बची हुई होती है वो रिमूव करती हूँ। तो इसके वजह, इसके साथ में ये जो बेला कॉटन के ये जो वाइप्स हैं वो इस्तेमाल करती हूँ। इससे दोनों के साथ में अपना जो भी डबल क्लिनजिंग मेथड है वो कंप्लीट करके मेरा जो भी पूरा मेकअप, जो भी कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ होता है, तो वो मैं इससे रिमूव कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इस्तेमाल करती हूँ फेस वॉश। तो फेस वॉश के लिए बेसिकली जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है, नाइट टाइम में जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है फॉर्मिंग फेस वॉश है वो, और वो है फी ऑर्गेनिक का विटामिन सी फेस वॉश। तो इसका आपने इंस्टाग्राम पे ऊपर मैंने इसकी पोस्ट डाली हुई है, तो आपने अगर देखी नहीं होगी अगर आप देख लीजिए, बहुत अच्छा फेस वॉश है। और ये ऑल मिनरल्स ऑयल, सिलिकॉन, पैराबेन, SLS फ्री है, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो ये 120 ml का आता है और बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक बहुत बार इसे इस्तेमाल किया है लेकिन ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप इसे एक बार जरूर जाके ट्राई कर लीजिए और मुझे फिर कमेंट में बता देना कि ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जो मैं इस्तेमाल करती हूँ फेस वॉश करने के बाद, वो है मेरा सीरम है वो, विटामिन सी सीरम है वो। तो विटामिन सी सीरम के लिए मैं गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन ई एज डिफाइंग सीरम इस्तेमाल करती हूँ। तो आपने ये बहुत बार देखा होगा मेरे वीडियो में, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ और मेरा जो भी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाला जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद जो मेरा जो भी नाइट क्रीम होती है उसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ नाइट टाइम के लिए, तो ये जो क्रीम है वो है गुड वाइब्स की क्रीम है ये, और ये है पोमोग्रेनेट रेजुनेटिंग नाइट क्रीम। तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने नाइट टाइम के लिए। तो पहले क्या करती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जो सीरम होता है वो लगा लेती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्रीम लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रही है, तो इसे मैं इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। इसकी वजह से क्या होता है, मेरे जो भी डार्क स्पॉट थे मेरे स्किन के ऊपर पिंपल्स के, तो वो ना अपना रिड्यूस हो गए हैं, तो इसलिए मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ अभी तक। तो इसके अलावा मैं जो भी इस्तेमाल करती हूँ, कभी कभी ना मैं कुमकुम आदि ऑयल भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने 2 या 3 बार इसे इस्तेमाल किया है, तो इसका रिज़ल्ट जो है ना वो मैं प्रॉपर नहीं आपको बता सकती। जब मैं इसका रिज़ल्ट देखूंगी ना तो आपको मैं प्रॉपर से एक वीडियो बना दूंगी। तो उसके बाद, ये सब होने के बाद, हमारे लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ यहाँ पे मेरा खादी का लिप बाम। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि कोई खादी का लिप बाम मैंने हाल ही में ये लिया है। इसके पहले मैं आपको पता होगा ब्लू हेवन का जो मेरे पास लिप बाम था ना वो मैं इस्तेमाल कर रही थी। तो कुछ ना इस तरह की इसकी पैकेजिंग है खादी के लिप बाम की, और इस तरह से कुछ आता है ये वाटरमेलन का लिप बाम है, ये बहुत अच्छा आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल इसे किया हुआ है और इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आती है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। जो भी मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाया है उनका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे जाकर जरूर आके चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, आपके फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर इसको लाइक करना मत भूलिए, और आपको कमेंट करना ही है क्योंकि मेरा जो भी आपको कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मेरा एक दिन बन जाता है इसलिए। तो गाइज, अगर आपको पसंद आता है तो मेक श्योर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइज, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।